कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। विभागी काबिना ने बिजनेस इन्वेस्टर और वर्क वीजा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। विफाकी कैबिनेट से 103 ममालिक के लिए वीजा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। वीजा पॉलिसी में तरमीम से बैरूनी सरमायाकार को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलत मिल सकेगी। ज़राए के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की सिफारिश पर वीजा पॉलिसी में तरामीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीजा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीजा 24 घंटे में जारी करने के पाबंद होंगे। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीजा भी 24 घंटे में जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक SIFC की सिफारिश पर 3 साल का इन्वेस्टर वीजा 24 घंटे में जारी किया जाएगा। 5 साल के लिए इन्वेस्टर वीजा वजारत दाखिला 10 दिन में जारी करने की पाबंद होगी। सेक्रेटरी पान राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि डॉलर की कदर बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट्स 2 गुना हो गए। बैरूनी फंड से चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स ज्यादा हैं। अवामी राबती की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में सेक्रेटरी पान राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि मुकामी फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट शरह में 60% इजाफा होगा। बैरूनी फंडेड पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 145% इजाफा हुआ। सेक्रेटरी पान ने कहा है कि पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़कर 2152 अरब रुपए हो गए। बिजली के निर्खों में 19 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट शामिल है। मुतबादल तवनाई पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 260 अरब रुपए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए में इजाफा कर दिया। महकमा रेलवे ने तमाम एक्सप्रेस और पार्सल ट्रेनों के किराए में 5% इजाफे का ऐलान किया है। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक किराए में इजाफे का इतला 19 सितम्बर से होगा। रेलवे हुकाम ने ट्रेन किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वाज रहे कि ट्रेन के किराए में गुज़श्ता 2 माह के दौरान ये 3री बार इजाफा किया गया है।